इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंपनियों के तिमाही नतीजे काफी मायने रखते हैं। इस समय तो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के एक के बाद एक मार्च तिमाही के नतीजे आ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं नतीजों के दम पर एक्सपर्ट्स जिन शेयर्स पर बुलिश नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। कंपनियों के नतीजों से न सिर्फ कंपनियों के पिछले प्रदर्शन बल्कि उनके आगे की ग्रोथ और भविष्य योजनाओं को लेकर भी संकेत मिलता है। मार्च तिमाही के नतीजों के लिहाज से बाजार को जो शेयर्स काफी पसंद आए हैं, साथ ही इस पर एक्सपर्ट्स भी बुलिश हैं, उसके बारे में जानते हैं। उनमें एक नाम है सिप्ला लिमिटेड का। घरेलू ब्रोकरेज फर्म के आर चौकसी ने सिप्ला के शेयरों में मौजूदा स्तर से 26.31% की उछाल का अनुमान जताया है। ब्रोकरेज ने सिप्ला के मार्च तिमाही के नतीजों के बाद इसकी रेटिंग को होल्ड से बढ़ाकर बाय कर दिया है और इसके लिए 1,167 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। वहीं अगली कंपनी जिनके नतीजों के बाद शेयर बाजार में एक्सपर्ट्स इस पर भरोसा जता रहे हैं, वो है जिंदल स्टील एंड पावर का। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज की माने तो जिंदल स्टील एंड पावर के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 41% तक की तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज ने मार्च तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग दी है और इसके लिए 750 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। वहीं अगली कंपनी जिसको लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश है, वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयरों में मौजूदा स्तर से 31.35% की तेजी का अनुमान जताया है। इंडियन ऑयल के मार्च तिमाही के नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने इसके शेयरों को बाय की रेटिंग दी है और इसके लिए 115 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। बता दें, ये तो हमने आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट बताई है। आप किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय ले लें। अगर आपको हमारे आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।